हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़े करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही मज़े तरीके से याद कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग देख रहे हैं, बार बार हम लोग किसी चीज़ों को याद करते हैं बट वो याद नहीं होता है। तो मैंने उसको याद करने के लिए तो थोड़े से दूसरे स्टाइल दिखाए आपको। उस मैंने जो भी आपके टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को पोएम के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, जिससे कि आप इजिली उन चीज़ों को याद कर सको। देखते हैं आपको ये वीडियो कितना पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे के वीडियोस भी बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो बना रहे हैं वो एक सिविल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग एक पोएम के थ्रू रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कॉलम कवर 40 mm का लेता है, तो बीम भी प्रयास करते करते 25 mm का ले ही लेता है माना स्लैब छोटा बच्चा है फिर भी 15 to 20 के नीचे न मानता है। IS-456 याद आता है। दोस्तों, बॉन्ड्स जरूरी है लाइफ में। इसीलिए ब्रिक भी 4 bond बना ही लेता है, ब्रिक भी 4 bond बना ही लेता है। इंग्लिश फ्लेमिस हेडर स्ट्रेचर। IS-456 याद आता है। अगर बात करें इंग्लिश की, एक सोता है और एक उसके ऊपर बैठता है। देखा होगा आपने ब्रिक, एक ऐसे ब्रिक रखते हैं, एक उसके ऊपर बैठा हुआ ब्रिक रखते हैं, तो एक सोता है और एक उसके ऊपर बैठता है। चलिए बात करते हैं फ्लेमिस की। फ्लेमिस में एक सोता है और एक उसके साथ बैठता है। इंग्लिश फ्लेमिस हो गया। चलिए बात करते हैं हेडर की, जो दिन भर बैठा रहता है। स्ट्रेचर दिन भर सोता रहता है। IS-456 याद आता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेरी कविता थी। चलिए थोड़े से आगे चलते हैं। डेंसिटी बात करें अगर डेंसिटी फैमिली की, दादाजी यानी स्टील की एज 78.5 kN/m³। एज को मैंने डेंसिटी से कोरिलेट किया। एज मतलब आप डेंसिटी समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी शब्द नहीं डाला जा सकता है पोएम में, तो हमने एज यानी डेंसिटी। दादाजी यानी डेंसिटी की एज 78.5 kN। उनके हैं दो बच्चे आरसीसी और पीसीसी। आरसीसी की एज है 25 और पीसीसी की एज है 24। उनके मौसी के हैं दो बच्चे सैंड और सीमेंट। सैंड की एज 16 टू 18 और सीमेंट की एज एग्जैक्ट 14.4 kN/m³। बात किया डेंसिटी की, तो करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन। M10 to M20 है ऑर्डिनरी कंक्रीट, M25 to M55 है स्टैंडर्ड कंक्रीट, M25 to M55 है स्टैंडर्ड कंक्रीट, M60 to M80 है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो दोस्तों, मैंने इस तरीके से आपके जो सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स हैं जिनको याद करने में आपको प्रॉब्लम जाती है, अगर आप पोएम के थ्रू लाइनों के थ्रू याद करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप तक मैं शेयर करूँ। मैं अभी अपने लिए करता था, मैं चीज़ों को ऐसे ही याद करता था, तो मेरा मन किया कि मैं आप तक शेयर करूँ और आप भी इजी तरीके से याद कर सको चीज़ों को।
तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में करिए कि यस सर नेक्स्ट मोर वीडियो आई वांट, तो डेफिनेटली हम लोग दूसरे टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के जो हैं उनके लिए भी आप तक इस तरीके से पोएम लेके आएंगे। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।